श्री इच्छापूरन बालाजी सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मंदिर श्री इच्छापूरन बालाजी धाम टांडा अड्डा चौक में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें संचालक भक्त अजय पुरी व राघव पुरी ने श्याम बाबा के मधुर भजनों का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और भक्तों को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। इच्छाधारी मंदिर अड्डा रायपुर बल्ला पठानकोट रोड में बाबा बर्फानी के दर्शनों को जाने वाले भक्तों की सेवा एवं विश्राम हेतु श्री अमरनाथ यात्रा भंडारे के 28वें दिन भी लंगर जारी रहा। इसके बाद यात्रा में जाने वाले शिव भक्तों ने पिछले कई दिनों से चल रहे अनेक प्रकार के लंगर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इस दौरान लंगर के आयोजकों राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, नरेश शर्मा काली ने बताया कि भंडारे में आने वाले शिव भक्तों को रोजाना सुबह, दोपहर और रात्रि को अनेक प्रकार के प्रसाद के रूप में वितरित किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शिव भक्तों के विश्राम तथा रहने के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस मौके पर राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, अजय मल्होत्रा, नरेश शर्मा, अशोक शर्मा, विजय महाजन, रमेश प्रभाकर सहित बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सोमवार का सावन का पहला जेठा एतवार अज बड़िया रौनक लगिया ने। साडा 13वां वार्षिक भंडारा जेड़ा बाबा इच्छाधारी जी स्थान पर लगता है अड्डा रायपुर फूलपुर अज 29वें दिन च प्रवेश कर गया। अगे भोले की इच्छा है घट तो घट 45 दिन लगाई दा आ, कभी 43 कभी 45 कभी 44 ऐसी घोड़े की की मर्जी आ 45 दिन तो लगेगा ही लगेगा। अज इन्ना कु सवेर का जनता का मूड इधर सेगा, मेरा ख्याल आ घट तो घट अज 5000 बंदा लंगर खा के गया है। अज लंगर दे विच सब तो पहलों ब्रैड पकौड़ा, उदो बाद टिक्की और गोल गप्पे का लंगर, उदो बाद कढ़ी चौल, उदो बाद नूटरी दाल चावल रुमाली फुलका। अज इन्नी कु भोले की कृपा हुई है कि अं कह नहीं सकते। साढ़े संगतों का बड़ा आभार है
मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर की ओर से निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज ने बताया कि इस शिविर में हड्डियों के माहिर डॉक्टर अमरेंद्र सिंह ने लगभग 600 मरीजों की निःशुल्क जाँच कर उनके उपचार संबंधी विशेष जानकारी दी। तो वही जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ भी प्रदान की गयी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अमरेंद्र सिंह पिछले 10 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं और पूरे भारत में निशुल्क शिविर लगाकर लोगों की हड्डियों तथा जोड़ों संबंधी बीमारियों का इलाज करते हैं। इस मौके पर श्रीकंठ जज मनीष शर्मा, अभिलक्ष्य चुग, दिशांत शर्मा, सुनील जग्गी, प्रिंस सहित माँ बंगलामुखी धाम के सभी सेवादार मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। मैं सर अमृतसर तो आया। अच्छा जी, तो काफ़ी जल्दी मेरी चल रही पेन। एक कितने चिर तो चल रही थे? जो साल डेढ़ साल तो प्रॉब्लम चलती पी है। अज जो आए थे कीर्तन रिलीफ मिलेगा? काफ़ी रिलीफ होया। हूँ तो दोबारा तुम इतने आना पेगा? फिर दोबारा देखो ये पता लगेगा थोड़ा जहाँ हूँ तुम्हें कोई फर्क पेगा? हाँ सर, कुछ पहले भी कई जगह इलाज कराया? नहीं, इलाज दो तीन जगह दिखाया सर, पर फर्क नहीं कुछ लगेगा। उस तो घर ही मिली इस टाइम तेल लगा के जिन्नी दर्द होंगी तेल लगा ली आप ही दो तीन जगह दिखाया, कोई फर्क नहीं पाया। छोटा वीर अमरिंदर सिंह बहुत घट लोग ए बारे जानते हैं और बहुत घट लोग इनू पहचानते हैं। किसी लिए बाबा है, किसी लिए बाबा जी है, किसी लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा नज़दीक हीलर है, किसी लिए डॉक्टर है, पर साढ़े लिए छोटा वीर अज भी अमरिंदर सिंह है। वाकया 2012-13 का है जो ये अपने अफसर के नाल पहली बार मैनू मिले तो मालकों वालों हुक्म होया भी तेरी सेवा ये पहला बाहर फॉरन जाके बड़ी बड़ी दूर जाके सेवा करते रहे हैं पर वो पेड़ होंगी सी, पर मन दे विच जिहड़ा भाव है वो सिगा सेवा करन दा चा। सो महामाई ने कृपा की, सतगुरु ने सच्चे पातशाह ने कृपा की, इन्हां दी ड्यूटी लगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जिहड़ी संगत की सेवा करनी है, जिहड़े दर्दां दे नाल कहरा रही है दुनिया। अज दे टाइम दे विच दुनिया कोल पैसा बहुत है, समय भी बहुत है, पर सेहत नहीं हैगी। खासकर जोड़ां दे दर्दां च जिहनूं आपां ऑर्थो कहिंदे आ, सवाए एक जिन्हों आप दर्द निवारक गोली या स्टेरॉयड नू छड़ के कुछ भी ऐ सच नहीं है। यह पुरातन पद्धति है जिदे नाल वीर सेवा करता है और महामाई ने जोड़िया। पहला इन्होंने बगलामुखी धाम 2013-14 सेवा की, उस तो बाद हुक्म मालक वालों होया कि तलन साहब जाके जोड़ा घर दे विच सेवा करनी है और 9 साल लगातार अनथक सेवा की है और सतगुरु की बहुत ज़्यादा आशीर्वाद नू प्राप्त किया। हुण दुबारा तो सतगुरु का फिर हुक्म हो गया कि जिहड़ी जिहड़ी संगत उत्थे नहीं पहुँच सकती, बड़ी बड़ी दूर है, पिछे जे एक सेवा कैंप लगाया पीलीभीत जाके यूपी दे विच और असी लगातार संचार कर रही है अपनी टीम कि असी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेंदे असी किसी तो, सिर्फ आशीर्वाद या पंजाबी जिहनूं आपां कहिंदे असीसां मंगदे हैं, सतगुरु दे नाल जोड़दे हैं कि तुसीं सतगुरु दे नाल जुड़ो, महामाई दे नाल जुड़ो, उन्हां दा नाम लवो। जिहड़ी चीज़ असीं भुलदे जा रहे हैं, अमरिंदर सिंह एक अपने आप इस वेले शख्सियत है, इंस्टा ते जाके देखना होवे ते पता लगता 30-30 लाख जिहड़े लोगों ने फॉलो किया या लाइक किया और अज किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, सब सतगुरु की और जिहड़े जिन्हां जिन्हां की सेवा की है उन्हां दी बख्शिश है, उन्हां दी कृपा है। अज फिर तो सानूं सुभाग्य, हुण असीं जिहदी ड्यूटी लगाई अज फिर तो सानूं सुभाग्य प्राप्त होया कि असीं मंदिर दे विच कैंप लगाईए और मैं परसों तो बहुत ज़्यादा आई एम शॉक्ड, लोगों के फोन आते हैं चंडीगढ़ तो, हिमाचल तो, हरियाणे तो, पठानकोट तो, जम्मू तो, श्रीनगर तो कि असी शामिल होना चाहते हैं। कल दोपहरे 3 बजे तक, शनिवार 23 तरीक 3 बजे तक 105 अपॉइंटमेंटा साढ़े को सीगियां, उस तो बाद असी हाथ जोड़ते और अज भी जिहड़े सेवा करवाने लई आए है संगत वो ठांठा मारदा है, साढ़े को जगह नहीं है पर साडा दिल बहुत विशाल है और महामाई ने इन्हों जो सतगुरु ने बख्शिश की है वो अतुलित है और मैनू आशा है, मैं मालक दे
जेडे चरणा दे विच इदां ही सीस नवाना और मैं ये महामाई तो भी और सतगुर मोहरे भी यही फरियाद करदा कि इहनू अतुलित बल दे ये दिन दुगनी रात चौगनी करे जेडे अपने सेवा का इहनू बल बख्शिया ये सेवा करे और इदां ही निष्काम ये जेडी समुची टीम है अपनी वो असी सेवा कर वरिंद्रपाल सिंह जी गुरु महाराज की मेहर नाल ए पी एस आलूवाल जी नाम मूहरे आए हैं तो मैं ये एक्चुअल ये नहीं पता भी बंदा हुंदा किवें ठीक है बस जी मालक डाढ़े करा लैंदे ने जी कहिंदे आ भी किसी के हाथ किसी तुल किसी के फुल किसी की अरदास कबूल हो जाती है साढ़े भी कई अरदास करने वाले ने तू असी किसी महाराज ने इन्नी बख्शिश की चलो कोई बंदा आराम आया तो मैं यही कहता भी सारे सही होंगे सौ च सौ सठ भी सही हो गए माइग्रेन की किसी ने प्रॉब्लम आ सर्वाइकल स्पाइन दे विच किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ तुहानू झुकण च प्रॉब्लम आ L4 L5 डिस्क बल्ज आ हेंसनेशन आ सेंटिका आ नी प्रॉब्लम्स ने एंकल ट्विस्ट आ डिसलीगेटेड ने कुछ भी तरह की प्रॉब्लम हैगी है बोन्स रिलेटेड जे मसल इंजरीज भी है वो लिए असी तुहानू फ्यूजियो या कोई ऐसी चीज़ पहले तुम प्रोवाइड करा लो उस तो बाद कायरो 3 महीने बाद कायरो मिलती हूँ जी जो थोड़ा मसल इंजरी है वो थोड़ा पहला फिजियोथ्रोपी करवानी पैनी फिर 3 महीने फिजियोथ्रोपी कराने बाद कायरो करवानी है फिजियोथ्रोपी तुम कितों मर्जी करा सकते हो कायरो के फ्री कैंप लगते हैं गुरु साहब कृपा रखन यही कैंप लगता है कैंप कितने कितने हद तक लगा चुके हैं देखो जी पहला हेमकुंड साहब 2013 में भाई ने जिवें दस्सिया हेमकुंड साहब यात्रा से गए थे उत्थों शुरू होया महीने के जिहड़ा कहिंदे जिन्हों आप कह दें लफ्ज़ों में इश्क उदों मतलब ये चीज़ फील हुई भी इन्होंने कहा जी उत्थे जा अभी अपने मतलब भरा ही ने मेरे तो वड्डे जी कहिंदे यार हेमकुंड साहब जे तुहानू तसल्ली नहीं मिलती ना तू उत्थे चल जा तो गुरु साहब की कृपा नाल महीना डेढ़ महीना जी उत्थे लाउंदे आ तो बस उस तो बाद 14 दे विच शॉप ते स्टार्ट कीता एक करी इन्हां दे ते कहिंदे यार इदां नहीं भी आपां गुरु स्थान ही रखी जी फ्री करना है तो फिर उस तो बाद मंदिर दे विच इत्थे शुरू होए मेरे ख्याल नाल 2 या 3 ऐतवार होए सीगे तो चौथे ऐतवार असीं तरलन साहब मतलब कि गुरु ये नहीं सानू सबब नहीं मैं कहवां जी मैं तुहानू दस्सां पूरा स्ट्रक्चर किदां स्टार्ट होया ते सानू खुद नूं नहीं पता बस चल पिया ये कहिंदे हजूम दे नाल आ जी संगत लई फिरदी हुण तेरे रखदे गुरु महाराज का आसरा जो कैंप से लगाने जहाँ लोगों की सेवा करते फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं साड़ी कोई सेवा नहीं बस एक समाइल की सेवा जरूर लेंगे जी उन्होंने बंदा हस के जाए और मालक का नाम सिमरन करे जाप करे जिहड़े भी धर्म को बिलोंग करता वो अपना जिहड़ा जाप है अपना जिहड़ा पाठ है वह जरूर करे मानस की जात सब एक पछाणवो साडे गुरु महाराज ने सानू यही सिक्ख्या दिती है असी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नाल कोई मतलब नहीं रखते असी तो कहने गुरु घर जाओ गुरु घर नाल जुड़ो और जिदे हैगे उदे जरूर रहो थां थां ते डोबे ना मारो उदे नाल काम खराब हो जाए ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਹੱਸਦੇ ਆਓ ਰੋਂਦੇ ਆਓ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆਓ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਜਾਓ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਜੈ ਮਾਤਾ सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायकों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल, लेखक रमेश शौंकी, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल और विनोद शर्मा ने भजन पाठियों को मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। Oh, dear.
पीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध पार्टियों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर नरेंद्र सहजपाल, योगेश्वर शर्मा, अशोक सोपती, चंद्रमोहन ढींगरा, दिनेश सागर ने भजन पार्टियों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। उनके साथ अशोक शीतल, राजकुमार सहगल, संजीव साहनी, अजय राजन, चीनू सहगल, रमन ढल्ला, मनमोहन चड्डा, नरेंद्र शर्मा, वरिंदर शांत, लकी, राजेंद्र कपूर सहित मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि इस शिविर में राजयोग ध्यान द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इस दौरान अलग अलग प्रयोगों और योगिक क्रियाओं को दर्शाती प्रदर्शनी भी लगाई गई। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र वालों ये प्रदर्शनी लगाई गई है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान समझाया जाता है, अपने विचारों शुद्ध करने का तरीका दसया जाता है और नशे तो मुक्त होने लई ये भी सुझाव दिता जाता है, जिदे नाल साडा जीवन अच्छे तो अच्छा बने और असी अपने जीवन में खुशहाल रहीए। ये प्रदर्शनी देवी तलाब मंदिर के प्रबंधकों वालों इजाजत दी गई है, उन्होंने इजाजत न लगाई जाती है। असी सारे ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र वालों उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। कथावाचक आचार्य दीपक ने सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर के पंडितों की ओर से मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जिसके पश्चात कथावाचक आचार्य दीपक ने मां त्रिपुर मालिनी के दरबार में भी माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया और सर्व मंगल हेतु कामना की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। तिलक राज जोशी, जो की अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी श्री देवी तालाब मंदिर श्री राम हाल में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय तिलक राज जोशी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की साध्वियों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय तिलक राज जोशी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज, प्रिंस ग्रोवर, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी पवन उपल, डॉक्टर सतपाल गुप्ता, पुलिस अधिकारी नरेश डोगरा, विधायक राजकुमार चब्बेवाल, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व मेयर राकेश राठौर, कुलदीप सिंह ओबराय सहित पारिवारिक सदस्यों में डॉक्टर मुकेश जोशी, राजेश जोशी, प्रवीण जोशी, वीके शर्मा, नीलम जोशी, अनीता जोशी, पूनम जोशी, अंजलि शर्मा सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय तिलक राज जोशी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की।
वसीका नवीस सुदेश शारदा के बेटे एवं पूर्व पार्षद दीपक शारदा के छोटे भाई राजेश शारदा का आकस्मिक निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार किशनपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर समूह शारदा परिवार सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय राजेश शारदा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फिलौर के अधीन आते लाडोवाल टोल प्लाजा को लुटेरों ने बनाया निशाना, 23,50,000 रुपए की नकदी लूट हुए फरार। जालंधर के जनक नगर में नशेड़ियों ने कुत्ता घुमाने आई लड़की को जबरदस्ती नशे का लगाया टीका, इलाका वासियों ने दो नशेड़ियों को पकड़कर की छित्तर परेड। जडियाला गुरु के गांव बंडाला के नजदीक गत रात्रि ड्रेन में 100 फीट लंबी आई दरार, नौजवानों ने 5 घंटों की कड़ी मशक्कत से दरार को भरा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।